जनपद में हुई बारिश से तेजी से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जनपद में 4 दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिससे पूरे शहर के गली मोहल्लों में पानी लग गया था। इसके साथ नदियों का भी जलस्तर बढ़ रहा है। सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। जनपद में नदियों के जलस्तर के बारे में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में लगातार वर्षा हो रही है। कोई भी व्यक्ति नदियों में स्नान करने से बचे, नदी को तैर करके पार करने का प्रयास ना करे, क्योंकि नदियां उफान पर है। किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, पिछले 4-5 दिन से लगातार वर्षा हो रही थी और इस वर्षा की वजह से जो हमारी राप्ती, सरयू, रोहिन और कुआनो है, इनके कैचमेंट एरिया में जो पीछे पानी एकत्र हुआ, इसकी वजह से हमारे यहाँ भी सरयू डेंजर लेवल पे है, राप्ती अभी डेंजर लेवल से काफी नीचे है, रोहिन लगभग डेंजर लेवल के आसपास है। लेकिन ये एक आध दिन ही ऐसा रहेगा, क्योंकि यह वर्षा लगभग समाप्त हो चुकी है और कैचमेंट एरिया का जो पानी है वो हमारे यहाँ से होते हुए तेजी से आगे निकल जा रहा है। तो किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की अभी कोई सूचना नहीं है, एक्चुअल में हुई भी नहीं है, परंतु मेरा आम नागरिकों से, निवासियों से अनुरोध यही है कि अभी बाढ़ के समय में नदी में ना जाएं, इसलिए कि पानी का उफान ज्यादा है और कोई भी घटना या दुर्घटना हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।